ओ मैडम, आज तो बहुत कमाल की लग रही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि राखी आ रही है, और राखी तो हम लड़कियों का फेवरेट फेस्टिवल होता है। हम राखी के 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले शुरू हो जाते हैं, हम उस दिन क्या पहनेंगे, कैसे रेडी होंगे, कौन सी ज्वेलरी कैरी करेंगे। तो बस यही सब कुछ माइंड में रख के मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, राखी मेकअप फॉर गर्ल्स। और ये जो मेकअप मैंने किया है, मैंने कोशिश करी है कि इस मेकअप को मैं थोड़ा लाइट रखूँ, बिकॉज समर का सीज़न चल रहा है, इतनी पसीना, इतना चिपचिपाहट, तो ज़्यादा मेकअप भी हम लोग कैरी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मेकअप लाइट से लाइट रखा जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अगर उससे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर ली मेरे चैनल को। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है shwetasuri35। मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं मैं रील्स वगैरह बनाती रहती हूँ। तो बस जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने बालों को पीछे टाई कर लिया है अच्छे से, ताकि मेकअप करते वक्त हम बालें परेशान बिल्कुल ना करें। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये राखी मेकअप वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्किन को रेडी करेंगे मेकअप के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गुड वाइब्स का विटामिन ए। इसकी वीडियो भी जल्दी मेरे चैनल पे आएगी। अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और उसके रिजल्ट, इसके रिव्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। तो थोड़ा सा मैंने अपने हैंड पे ले लिया है। जब कभी आप मेकअप करते हैं, लाइट करो, बहुत हैवी करो, हमेशा अपने स्किन को रेडी करना है। आपने स्किन केयर ज़रूर करना है, कोई भी सीरम लगाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ। अब मैं लूँगी ब्लू हेवन की लिप बाम। लिप्स को भी तैयार करना है, प्रेप करना है अपने, कि जब हम लिपस्टिक लगाएं तब तक माय लिप्स रेडी हो चुकी हूँ। प्राइमर मैं यूज़ करूँगी NYBAKA ब्लर इन प्राइमर। प्राइमर हम इसलिए यूज़ करते हैं, जितने हमारे पोर्स होते हैं ना स्किन पे, उनको मिनिमाइज़ कर दें। इससे क्या होगा, जो फाउंडेशन होगा ना, हमारे स्किन के अंदर नहीं जाएगा, तो हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन को हार्म नहीं करेगा। इसलिए प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, और एक इवन टोन दे देगा आपकी स्किन को, स्मूथ टेक्सचर दे देगा, ताकि आप उस पर ईजली फाउंडेशन लगा सकें। तो प्राइमर भी आपने स्किप नहीं करना है। प्राइमर मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन, दिस फ्रॉम मेबलिन फिट मी 128 वार्म न्यूड शेड। मैं थोड़ा सा इसको अपने हैंड पे लूँगी। और डॉट डॉट करके मैं अपने फेस पे इसको लगाऊंगी। अपने फिंगर की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड करूंगी। मैं थोड़ा सा और लूँगी अपने नेक एरिया के लिए। नेक एरिया पे ज़रूर लगाएं, आपको ये मेकअप कर रहे हैं।
आपका फेस और नेक अलग नहीं लगनी चाहिए। तो फाउंडेशन मैंने अच्छे से लगा लिया है अपने फेस पे, देख सकते हैं आप। तो आफ्टर फाउंडेशन हम यूज़ करेंगे कंसीलर, जैसे मेरे डार्क सर्कल्स हैं आप देख सकते हैं कि डार्क स्पॉट है, हल्की पिगमेंटेशन है, तो यहाँ मेरे को कंसीलर की थोड़ी ज़रूरत है तो इसलिए। और हाँ हाँ, ये मैंने अभी मंगाया था ना पर्पल हॉल में, देखा होगा आप लोगों ने स्विफ्ट डे कंसीलर, मैंने बताया था ना बस कंसीलर नहीं है, अब तो बस कंसीलर आ गया। देखते हैं काम कर गया, थोड़ा थोड़ा हाइड कर दिया ऐसे। आईब्रो फिलिंग करते वक्त ध्यान रखें, पहले अपनी आईब्रो को आप कॉम करें। इसमें ही मुझे स्पूली दी गई है, वैसे ब्रशेस जो होते हैं उसमें अलग से स्पूली मिलती है, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। कॉम कर रही हूँ अपनी आईब्रो को अच्छे से, उसके बाद हम करेंगे फिलिंग। और मैं ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, वैसे ब्राउन ही यूज़ करनी चाहिए, अगर हम ब्लैक यूज़ करेंगे तो बहुत बॉडी और लगता है बहुत ज़्यादा ना, मतलब अलग से आईब्रो दिखती है। अपनी आईब्रो फिलिंग कर ली है, अब इसके बाद हम करेंगे अपना आई मेकअप। आई मेकअप से पहले हम करेंगे अपना फेस सेट, जो मैं भूल गई थी। डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना अपने फेस से, देखो कितना सारा आया हुआ है इसके अंदर, हमेशा ऐसे करके फिर यूज़ करना है आपने, तो बहुत सारा लग जाएगा, जहाँ जहाँ पसीना आता है आप उसको वहाँ वहाँ लगा लें। हमने जो अपना बेस है वो भी सेट कर लिया है, बेस हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम करेंगे आई मेकअप। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। आई मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मैं, पहले अपना बेस रेडी करूँगी अपनी आईज़ का। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी न्यूट पैलेट है ये, इसे कोई भी मैं न्यूट शेड ले लूँगी। और आप बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं लेंगे, इसमें आप भी देख रहे हैं हल्का सा शिमरी है, ये वाला मैं लूँगी कलर। आप ये गोल्डन नहीं है, लाइट पीच टाइप का जो होता है ना वो शिमरी है ये। मैं लगाऊंगी अपना ब्लू आईलाइनर, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना चिकनकारी का कुर्ता पहना हुआ है स्काई ब्लू कलर का, तो मैं उसी कलर का आईलाइनर लगाऊंगी आज। सेम विथ सेकेंड आई,
अब मैंने अपने आईड पे लगा लिया है। अब इसी को मैं हल्का सा ना स्मज करूँगी ब्रश की हेल्प से। देख सकते हैं मैंने हल्का हल्का स्मज कर लिया है। अब इसी ब्रश की हेल्प से हम इसको नीचे लगाएंगे। नीचे भी मैंने वही ब्रश की हेल्प से स्मज कर लिया है, देख सकते हैं। तो वी आर डन विद आवर आई मेकअप। तो हम करेंगे अब कंटूर। तो कंटूर के लिए मैं वही आई शेडो पैलेट में से कोई ब्राउन शेड लूँगी और उसे कंटूर करूँगी। कंटूर हम इसलिए करते हैं अपने फेस को शेप देने के लिए। अपने चीन एरिया के नीचे करेंगे, चीन एरिया के पास करेंगे अपने। फोरहेड पे थोड़ा नोज पे भी करेंगे। ताकि नोज थोड़ी शार्प दिखे। आप लोगों की भी नोज मेरी तरह मोटी है तो नोज पर भी कंट्रोलिंग करें थोड़ी शार्प ताकि नोज दिखे आपकी। तो यस, वी आर डन विद द कंट्रोलिंग पार्ट। तो ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की पैलेट, उसमें से मैं लूँगी ब्लश शेड। डायरेक्ट फेस पे नहीं लगा लेना है, बहुत ज़्यादा लग जाएगा, हमेशा डैब करके। बहुत डार्क ब्रश नहीं लगाऊंगी मैं, बहुत लाइट सा रखूंगी। तो वी आर डन विद द ब्लश पार्ट। मैंने ब्लश बहुत लाइट रखने की कोशिश करी है, ज़्यादा लग गया था, उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, देख सकते हैं आप मेरे फेस पे। तो हम लगाएंगे हाइलाइटर जो भी हमारे हाई एरियाज हैं, हाई पॉइंट है उन पे। तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी ग्लैम हाइलाइटर। ये देखो ये टूट गई है, यहाँ से मेरी बेटी ने तोड़ दी है। जब मेकअप टूटता है ना बड़ा गुस्सा होता है, तो बच्चा यार कुछ नहीं कह सकते ना, उसके हाथ में पहुँच गया, उसे टूट गया। ये हमारे हाई पॉइंट है, जैसे वहाँ पर लगाएंगे हम हाइलाइटर। फोरहेड पे लगाएंगे। जितने हमारे हाई पॉइंट्स उस पर हाइलाइटर लगा लिया है मैंने। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। वी आर डन विद द मेकअप पार्ट। तो जो मैंने इयररिंग पहने हैं अभी जस्ट मैं आपके सामने दिखाती हूँ। यस,
वी आर रेडी फॉर आर राखी। तो मैंने अपने इयररिंग पहन लिए, ये मैंने लिए थे शायद दिल्ली मार्केट के लाजपत नगर से, और ये अब मैंने ब्रेसलेट पहना है एक हैंड में मैंने पहना है ब्रेसलेट, एक में पहने बैंगल्स जो कि हैं कलरफुल, ये भी लाजपत नगर से ली थी मैंने। तो होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये राखी मेकअप लुक कितना अच्छा लगा और कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।